नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेंद्र मिश्रा और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज पे पिछला वीडियो हमने एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के बारे में डिस्कस किया था कि एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम क्या है। उसी कड़ी में आज के वीडियो में हम देखेंगे जन औषधि परियोजना क्या है और इसके मिशंस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जो होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस भी आपको आसानी के साथ मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों जन औषधि परियोजना जो है इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि इंडिया की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में मेडिकल बर्डन जो है इंडिया में वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। हाई प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, मेडिसिन की जो प्राइसेस है इंडिया में वो थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो, कुछ सालों में अगर हम डिस्कस करें तो ये अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल बर्डन इंक्रीज हुआ है। और तीसरी जो चीज़ है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि जो जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन्स हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार की मेडिकल बर्डन अफोर्ड करने की बात आती है तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं जिसके चलते कई बार लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस इन मेडिकल फील्ड हमें देखने को मिलती है। यानी कि वहाँ पे लोग उस बर्डन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो मेडिकल बर्डन है और वहाँ पे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा देखने को मिला है। तो ये जन औषधि परियोजना जो है इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि मेडिकल बर्डन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में। प्राइसेस जो है मेडिसिन की वो इंक्रीज़ हुई हैं, जो स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं उनकी प्राइसेस में काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो इसके चलते हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप सबसे पहली चीज़ कि किसने इसको इंप्लीमेंट करना है, यानी कि कौन इंप्लीमेंट करेगा। सबसे पहली चीज़ कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसके द्वारा ये संचालित होगा प्रोग्राम। और जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी, यानी कि जो इस पूरे परियोजना को इम्प्लीमेंट करेगी, जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो जो करेगी एजेंसी, वो है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, जिसको बीपीपीआई बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने हॉस्पिटल्स में, अपने हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर या फिर कहीं और, जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल प्रीमिसेस में ही, कहीं थोड़ी सी हॉस्पिटल से दूरी पर भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वो स्पेस प्रोवाइड कराएगी जन औषधि स्टोर्स खोलने के लिए। ये जन औषधि स्टोर्स जो होंगे यहाँ पे, इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जितने भी मेडिसिन्स होंगी वो इन्हीं स्टोर्स में रखी जाएंगी। जो मेडिसिन्स जन औषधि स्टोर्स पे होंगी वो जेनेरिक मेडिसिन्स होंगी, जो स्टैंडर्ड ड्रग्स होते हैं उनसे अलग हटके, हालांकि उनकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा है और इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो बॉडी है ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो अपने प्रीमिसेस में, हॉस्पिटल के कैंपस में या फिर बाहर अवेलेबल कराएंगे स्पेस जहाँ पे जन औषधि स्टोर्स खोले जा सके, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। आप डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे प्रोग्राम का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। सबसे जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मेकिंग क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू ऑल, यानी कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको क्वालिटी मेडिसिन। क्वालिटी मेडिसिन का मतलब ये होता है कि ऐसे मेडिसिन जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, तो अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस पे सबको, सबके पास तक पहुंचाना, पहली इसकी ऑब्जेक्टिव है। दूसरी ये है कि इसके थ्रू जन औषधि मेडिकल स्टोर्स जो आउटलेट्स हैं वो खोले जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको खोलने के पीछे का कारण ये है कि वो पॉकेट एक्सपेंसेस पे हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचाएंगे, यानी कि जो प्राइसेस पहले लगती थी मेडिसिन्स के लिए उससे कम दामों पे जन औषधि केंद्र जो होंगे, जन औषधि मेडिकल स्टोर्स जो होंगे वहाँ पर ये सारी मेडिसिन्स उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री, देखिए एक योजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, सॉरी ये जो योजना है इसके अंतर्गत जो स्टोर्स, जो केंद्र खोले जाएंगे उनका नाम होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, PMBJK, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ये सेट किए जाएंगे, सेटअप होगा, इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा वहाँ पे, जो कि जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, जेनेरिक ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। जेनेरिक ड्रग्स में देखिए क्या होता है, जेनेरिक ड्रग्स जो हैं उनके प्राइसेस कम होते हैं,
उनके प्राइसेस कम होते हैं। जो स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं जिसको ब्रांडेड ड्रग्स बोलते हैं, जैसे ब्रांडेड कपड़ों की बात करें तो उसका कॉस्ट अधिक होता है, तो ठीक वैसे ही जेनेरिक मेडिसिंस, जेनेरिक ड्रग्स का कॉस्ट जो होगा वो कम होगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो क्वालिटी होगी उन ड्रग्स की वो भी कम होगी, क्वालिटी उनकी बिल्कुल अच्छी होगी और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी से ही मेंटेन रहेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि वो जेनरिक मेडिसिंस जन औषधि केंद्र पे मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें कि मिशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है किसी भी परियोजना की बात करें, किसी भी प्लान की बात करें, किसी स्कीम की बात करें, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि उसके मिशन क्या है और उसको कैसे अचीव करना है। तो इंप्लीमेंटेशन हमने डिस्कस किया कि कौन इंप्लीमेंट करने वाला है, अब हम देखते हैं कि इसके मिशन क्या है। सबसे पहला मिशन जो है क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक रिगार्डिंग जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन के रिगार्डिंग अवेयरनेस लोगों तक ले जाना है। अवेयरनेस में ये करना है कि देखिए कुछ लोग ये समझते हैं कि जेनेरिक मेडिसिन चूंकि कम दामों पे है तो खराब होगी, तो ऐसा नहीं है, उनका भी एक क्वालिटी जो होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट बात करें तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो होगा वो इस मिशन का एक पार्ट होगा। नेक्स्ट है क्रिएट डिमांड फॉर जेनेरिक मेडिसिन थ्रू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके थ्रू जेनेरिक मेडिसिन की जो डिमांड है उनको बढ़ाई जाएगी ताकि जेनेरिक मेडिसिन अधिक से अधिक लोग यूज करेंगे तो जो कॉस्ट है, जो मेडिकल बर्डन है वो कम होगा। नेक्स्ट क्रिएट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम दैट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी प्रोग्राम को अगर संचालित करना है, चलाना है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एजुकेशन के थ्रू यहां पे करना है, क्रिएट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम दैट हाई प्राइस नीड नॉट बी सिमोनस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये अवेयरनेस लोगों में लानी है कि हाई प्राइस में अगर आपको कोई चीज मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है। अगर कोई दवा है, कोई ड्रग्स है जो कि कम दामों पे आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी खराब है, क्योंकि जेनेरिक दवाइयां जो होती हैं वो कम दामों पे मिलती हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड ड्रग्स से, स्टैंडर्ड मेडिसिन से खराब है, वो बिल्कुल सेम कंपैटिबिलिटी, सेम क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो ये अवेयरनेस लोगों में लाना है इस मिशन के थ्रू। नेक्स्ट, प्रोवाइड ऑल कॉमनली यूज जेनेरिक मेडिसिन कवरिंग ऑल थियोरेटिक ग्रुप्स। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे जितने भी तरह के जेनेरिक मेडिसिन होते हैं वो सारे के सारे इसमें प्रोवाइड कराने का स्कीम में सुविधा रखी गई है कि सारे जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराए जाएं। नेक्स्ट, प्रोवाइड ऑल द रिलेटेड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टू अंडर द स्कीम, और भी जितने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे इस स्कीम के अंतर्गत लोगों तक पहुँचाए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस स्कीम के तहत जेनेरिक दवाइयों को थोड़ा सा इम्प्रूव्ड लेवल पे लाया जाएगा ताकि और लोगों में ये अवेयरनेस प्रोवाइड कराई जाएगी कि जेनेरिक मेडिसिन जो होती हैं वो खराब नहीं होती हैं, क्वालिटी अगर दाम कम है इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी क्वालिटी भी खराब हो। तो ये मिशन था, आज हमने डिस्कस किया कि क्या है जन औषधि योजना, जन औषधि परियोजना क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, उसके मिशंस डिस्कस किए, उसके इंप्लीमेंटेशंस को डिस्कस किया हमने कि कौन इंप्लीमेंट कराएगा ग्राउंड लेवल पे, फिर हमने ये भी देखा कि किसके द्वारा ये प्रोग्राम संचालित है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं बिल्कुल डिटेल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, करंट अफेयर्स में भी बोल सकते हैं इसको हम, करंट अफेयर्स का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे UPPSC की बात करें या UPSC की बात करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।